हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन। ये आइंस्टीन का फेमस मास एनर्जी रिलेशन है। कैसे एस्टेब्लिश करना है सारी चीज़ें समझेंगे, और साथ साथ आपको यहाँ पर एक चीज़ और मिलेगी कि इस क्वेश्चन के साथ कभी कभी 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी अराइज होता है, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि आप इसका एग्जाम्पल दीजिए, राइट द एग्जाम्पल्स फॉर आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन, या इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दीजिए। तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में क्या लिखेंगे, या फिर एग्जाम्पल ऑफ आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन में क्या लिखेंगे, कैसे इसका डेरिवेशन करेंगे, सारा सब कुछ ऑल अबाउट रिलेटेड टू आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। एट लास्ट हम लोग एक क्वेश्चन भी करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है। देखिए, टॉपिक का इंपॉर्टेंस तो आपको पता होगा कि आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन, इसीलिए इसको फेमस बोलते हैं, आइंस्टीन फेमस मास एनर्जी रिलेशन। देखिए, करेंगे क्या, हमको तो ये रिजल्ट चाहिए, ठीक है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिव को अप्लाई करके मुझे चाहिए E = mc² अब E क्या है, E इज द टोटल एनर्जी, किसकी, पार्टिकल की। अब पार्टिकल की टोटल एनर्जी चाहिए तो आपको टोटल एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल की प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल की। तो हमारा मुद्दा अभी ये है, हाल फिलहाल में हम पहले पार्टिकल कंसिडर करेंगे, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, दोनों का सम करेंगे और हम अपने रिजल्ट को ऑप्टेन करेंगे। तो करते हैं रिजल्ट को ऑप्टेन। चलिए पहले ये देख लीजिए कि आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन में क्या कंसिडरेशन है, वो मैंने टाइम को बचाने के लिए लिख दिया है, बता देता हूँ क्या है। देखिए, आइंस्टीन जो मास एनर्जी रिलेशन है वो क्या देता है, एक तो आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन क्या देता है, यूनिवर्सल रिलेशनशिप देता है किसके बीच में, मास और एनर्जी के बीच में। साथ ही साथ ये डिस्टिंक्शन को भी, जो एक डिस्टिंक बना हुआ है कि मास और एनर्जी में क्या रिलेशन है, तो इस स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिव के थ्रू हम ये डिस्टिंक कर पाते हैं कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है। तो यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी गिव्स यूनिवर्सल रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। जो मास और एनर्जी है उसमें यूनिवर्सल रिलेशनशिप देती है। फिर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या करता है, रिमूव करता है डिस्टिंक्शन बिटवीन मास एंड एनर्जी एंड मेक इट पॉसिबल टू कन्वर्ट वन इंटू अदर। एक को दूसरे में कैसे कन्वर्ट किया जाता है ये भी ये बताता है, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मैंने क्या पूछा आपसे, बोला था क्या बनता है, पहला क्वेश्चन तो यही है आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन से कि राइट द एग्जाम्पल्स फॉर आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन। तो ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल फॉर आइंस्टीन फेमस मास एनर्जी रिलेशन का, इक्विवेलेंस का क्या है, ये होता है, देखिए यहाँ पर ये है मास, ये मास है, मास किस में हो गया, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, ये मास है, ये इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिट्रॉन, ये मास हैं, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन क्या हो गए, कंबाइन हुए तो एनर्जी बनी, उसको बोलते हैं पेयर एनिहिलेशन, ठीक है। फिर क्या हुआ, अगर एनर्जी से इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बने तो ये होता है पेयर प्रोडक्शन। तो आप देख पा रहे हो एनर्जी से मास बन रहा है और मास से एनर्जी, मतलब एनर्जी का मास में, मास का एनर्जी में कन्वर्जन है। अगर एनर्जी से बनते हैं मास तो बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन, यहाँ प्रोडक्शन हुआ, और अगर मास से एनर्जी बनती है तो पेयर इनहेलेशन। ये एग्जाम्पल है, लिख देंगे फुल मार्क्स। फिर होता है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, यही एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है, जो पेयर प्रोडक्शन और पेयर इनहेलेशन है इसी को हम लोग एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मास का कन्वर्जन एनर्जी में हुआ तो क्या होता है, अगर मास कन्वर्ट हो जाए एनर्जी में तो क्या होगा, वो होता है पेयर इनहेलेशन। अगर एनर्जी से मास बन जाए तो उसको बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। इसीलिए एनर्जी कन्वर्टेड इंटू मास, मैंने कन्वर्टेड नहीं लिखा, आप कन्वर्टेड लिखेंगे, क्या हो जाएगा, ये मास का एनर्जी में कन्वर्जन है, ये एनर्जी का मास में कन्वर्जन है। तो दो चीज़ें आपको समझ में आ गई,
एक तो एग्जाम्पल समझ में आया और एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में क्या लिखना है वो यहाँ पर है। इसका आप स्क्रीनशॉट कर ले करके कॉपी पे अच्छे से लिख लेना। चलिए अब मैं बात करता हूँ कि मुझे ये प्रूव करना है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, अब E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर के लिए मैंने बीच में ही कंसिडरेशन ले लिया, क्या ले लिया है, लेट अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v। तो मैंने लिखा है लेट कंसिडर अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v लेट ड्यू टू द फोर्स ऑफ एप्लीकेशन, जो फोर्स f लग रहा है, यहां हमारे पास एक पार्टिकल ये है, इस पार्टिकल ये पार्टिकल रुका हुआ है तो उसका रेस्ट मास m नॉट होगा, उस पर मैंने फोर्स लगाया तो बॉडी डिस्प्लेस हुई, कितना पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ, कितना स्मॉल dx डिस्टेंस, ठीक है, विद वेलोसिटी v और उसका मास हो गया m। तो ये हो गया काइनेटिक मास, ये हो गया रेस्ट मास। तो देखो मैंने लिखा हुआ है ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स f पार्टिकल डिस्प्लेसेस स्मॉल डिस्टेंस dx। अब डिस्प्लेस हो गया तो क्या होगा, डिस्प्लेस होगा तो आपको लिखना पड़ेगा, यहां से आपको स्टार्ट करना है, क्या है, देन वर्क डन विल बी, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब वर्क क्या आया, वर्क छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है तो छोटा सा वर्क आएगा, तो डी डब्ल्यू ये आ गया, एफ डी एक्स ये आ गया। अच्छा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, आपको पता होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, पता है ना आप लोगों को, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, एफ इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मैं लिख देता हूं अकॉर्डिंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, मोशन एफ इज इक्वल टू होता है डी पी बाई डी टी। ठीक, तो यहां पुट कर दीजिए तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना हो गया, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से ये हो जाएगा डी पी बाई डी टी और यहां कितना है डी एक्स। अब जरा देखिए तो ये हो सकता है कितना डी, ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी लिख सकता हूं मैं इसको, और यहां लिख दो डी पी, तो ये हो क्या हो गया, ये बन गया जाके आपको पता है डी एक्स बाई डी टी, तो क्या होता है, ये होता है डी एक्स बाई डी टी, टी टाइम में डी एक्स डी टी टाइम में अगर पार्टिकल डी एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करे तो बन जाती है वो वेलोसिटी। तो यहाँ हो जाएगा वी, यहाँ वी लिख देंगे, डी डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया वी डी पी आ गया। अच्छा, अब आपको एक चीज़ और पता है, क्या है, आपको पता है मोमेंटम क्या होता है, सिंस मोमेंटम ऑफ पार्टिकल क्या होगा, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल क्या होगा, P इज इक्वल टू होता है एम वी, तो यहां जहां P लिखा है वहां एम वी लिख दीजिए, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो गया V, और यहां लिखेंगे D, यहां लिखेंगे क्या एम वी। ठीक है, यहां से क्या हो गया, यहां से आप इसको देखिए, इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से जरा देखिए, यहाँ से आपको मिल जाता है डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, ठीक है, मैं यहाँ से नहीं लिखता हूँ, आपको हो सकता है ना दिखे, ठीक है, इधर मैं रब कर दे रहा हूँ, इधर तो आपको दिख ही जाएगा, चलिए इतना हटा देता हूँ, सिर्फ इतना हटा दिया मैंने, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, जाके देखिए ये यहाँ पर आप पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लीजिए, अलग अलग कर लीजिए, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकेंड पार्ट हो गया। ठीक है, क्यों ऐसा कह रहा हूँ, देखिए मास ये रेस्ट मास तो है नहीं तो चेंज होगा, ठीक है, वी वेलोसिटी है ये भी चेंज होगी, तो हमने क्या कर लिया, सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन कर लिया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जाके ये हो गया जाके मेरे पास डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी, और मैंने इसको देखिए आपको m रोक लिया, v का करेंगे तो dv होगा, प्लस आपकी बार v रोक लेंगे, m का करेंगे तो क्या आएगा dm होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसानी से v बाहर ही है। अच्छा, यहाँ फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन कर दीजिए, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन करिए, m को रोक लीजिए, v का dv हो गया, फिर v रोक लीजिए dm हो गया, तो वही है, m रोक लिया dv हो गया, v रोक लिया dm हो गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू आ गया एम वी डी वी प्लस वी स्क्वायर डी एम, ये आपके पास इक्वेशन वन है। अब हमारा सिर्फ एक काम है, सिर्फ एक काम है, क्या आप पूछ रहे, आप सोच रहे होंगे क्या, ठीक है, सिर्फ इसकी वैल्यू निकालना और वापस कर देना, रिजल्ट आ जाएगा,
इसकी वैल्यू निकालना आधा काम हो जाएगा। देखिए, टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ MVDV, ठीक है, टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ MVDV क्या यूज करेंगे, वी यूज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वी यूज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वी यूज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। क्या होता है, हम यहां से लिखेंगे m इज इक्वल टू m नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, सिर्फ हम ये लिखेंगे। और इसी से देखिए क्या होगा, इसी से इसको इधर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, जाके m और यहां से क्या आएगा, स्क्वायर कर लीजिए पहले, तो m नॉट स्क्वायर और यहां से क्या आ गया, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आ गया। इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आएगा, एम स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आ गया, इधर से एम नॉट स्क्वायर आ गया। अभी देखिए एलसीएम ले लीजिए, तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर और यहाँ एलसीएम लेंगे, नीचे आएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया, ये हो गया जाके एम नॉट स्क्वायर, इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर और सी स्क्वायर हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को आपको यूज करना है। यहां से जरा देखिए, यहां क्या करना है, चाहो तो आप इक्वेशन टू मान लो, चाहो तो मान लो, मान लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर टू और लिख देता हूं क्या, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन टू, क्या लिख देता हूं मैं, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन टू, इक्वेशन टू को डिफ्रेंशिएट करना है। जरा देखिए, m मैंने कहा चेंज होता है इसलिए इसका डिफरेंशिएशन होगा, c स्पीड ऑफ लाइट है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर कर लीजिए, c स्क्वायर बाहर कर लीजिए, एम स्क्वायर का करोगे तो क्या आएगा, 2mdm, फिर से एक बार, फिर से c स्क्वायर, c मतलब स्पीड ऑफ लाइट, कांस्टेंट है, बाहर लिख लिया, m क्या है, चेंज हो सकता है, रेस्ट मास होता तो चेंज नहीं होता, ठीक है, रेस्ट मास क्या है, रेस्ट मास को हम लोग चेंज नहीं करते, रेस्ट मास है, ये क्या मास है, ये वेरिएबल मास है, ये बदलने वाला मास है। अभी क्या आया, यहां देखिए, अब m और v दोनों बदल सकते हैं, तो मैंने क्या किया, माइनस लगाया और ब्रैकेट के अंदर एक बार इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे फिर इसको सेकेंड मानेंगे, करिए आराम से, एम स्क्वायर रोक लीजिए, वी स्क्वायर का करोगे तो क्या आएगा, 2vdv, फिर से एम स्क्वायर रोक लीजिए, वी स्क्वायर को होगा 2vdv, 2 आगे आया v, फिर v का dv, फिर क्या आएगा, वी स्क्वायर रोक लीजिए, एम का करोगे तो क्या आएगा, 2mdm, ब्रैकेट बंद। अब एम नॉट स्क्वायर और सी स्क्वायर, एम नॉट भी फिक्स है, कांस्टेंट है, सी भी फिक्स है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा जीरो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है जीरो, इस चीज को दिमाग में आप रख लीजिए। यहां तक बात हो गई, जरा देखिए यहां से क्या हुआ, यहां हम चाहते हैं 2m से सबको डिवाइड कर दें, किससे डिवाइड कर दें, यहां पे देखो, यहां पे क्या आएगा, यहां पे आप डिवाइड कर सकते हो 2m से, 2m से सबको डिवाइड कर दीजिए, कितना मिल जाएगा जाके, 2m से अगर डिवाइड करेंगे, चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर इसको हम बता दें आपको, यहां तक कोई इशू नहीं है, डिवाइड बाई 2m कर लेता हूं मैं, इसको मैं हटा देता हूं, देखिए इसकी जरूरत नहीं है, इधर डिवाइड बाई 2m कर देता हूं मैं, ये मैंने यहां पर जीरो किया था, इसके बाद क्या आएगा, डिवाइड बाई 2m, 2m कर दीजिए तो कितना आएगा, 2m हट जाएगा तो यहां से आएगा कितना, सी स्क्वायर dm, सी स्क्वायर डी एम आ गया, यहाँ से कितना आएगा देखो जरा से, यहाँ से क्या आ जाएगा, 2m यहाँ से जा चुका है, 2 और m जा चुका है, तो MVDV बच गया, प्लस यहाँ से क्या बचा हुआ है, 2 जा चुका है, m जा चुका है, तो वी स्क्वायर डी एम बचा है, वी स्क्वायर डी एम इज इक्वल टू जीरो है,
इतनी बात है। अब यहाँ से जरा देखो, इसको ओपन कर लीजिए, तो सी स्क्वायर डी एम माइनस एम वी डी वी माइनस वी स्क्वायर डी एम इक्वल टू जीरो। इसको उठा उधर ले जाइए तो ये क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर डी एम माइनस वी स्क्वायर डी एम इक्वल टू एम वी डी वी। ठीक, तो यहाँ ज़रा देखिए, ये इक्वेशन आ गई आपके पास फोर्थ आ गई, सॉरी थर्ड आ गई, थर्ड इक्वेशन आ गई। अब ज़रा देखिए एम वी डी वी की वैल्यू फ्रॉम थर्ड हम निकाल के, क्योंकि हमारा काम था एम वी डी वी की वैल्यू निकालना और उसको यहाँ पे वापस करेंगे, तो क्या करेंगे, यूजिंग रिलेशन फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड, तो क्या आ जाएगा, हम इस रिलेशन को यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे एम वी डी वी की वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू मिल जाएगा यहाँ से देखिए, सी स्क्वायर डी एम माइनस वी स्क्वायर डी एम और आगे प्लस वी स्क्वायर डी एम लिखा है, तो ये वाला टर्म ये वाला कैंसिल हो जाएगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू मिल जाएगा सी स्क्वायर डी एम। चलिए ये मिल गया, अब आपको क्या यूज़ करना है, देखिए आपको ये कंसेप्ट तो बिल्कुल क्लियर है, क्लियर ही होगा, ठीक है, मुझे ये बिल्कुल विश्वास है कि अगर आप किसी बॉडी पर फोर्स लगा करके उसे डिस्प्लेस करते हो तो क्या करते हो, वर्क करते हो, और वो वर्क कन्वर्ट हो जाता है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। इसका मतलब क्या हुआ, फ्रॉम वर्क पावर एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम लिख देता हूं, वर्क एनर्जी एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, जो डी डब्ल्यू होता है वही होता है डी के, क्लियर है, जो वर्क होता है वही होता है डी के, तो डी डी डब्ल्यू तो निकल आया है, कितना है सी डी एम, यहाँ से कितना है डी के। अब आप दोनों साइड में कर दीजिए इंटीग्रेशन, क्या कर दीजिए इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन कर दीजिए तो क्या आएगा, जाके यहाँ आएगा सी स्क्वायर डी एम, यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा डी के। अब जरा देखिए लिमिट भी अप्लाई कर दीजिए, तो डी एम है तो इसकी वैल्यू एम नॉट से लेकर के एम होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो से लेकर के होगी, क्योंकि जब बॉडी रेस्ट पे होती है तब बॉडी की काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है, तो मैंने जीरो लिखा हुआ है, लेकिन जैसे ही बॉडी को डिस्प्लेस किया जाता है उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, तो ये हो गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी। रेस्ट मास होता है एम नॉट, वेरिएबल मास जो होता है वो एम, ठीक है। अभी देखो सी स्क्वायर बाहर करिए, अंदर कितना आया, एम नॉट से एम तक है, यहाँ है डी एम, यहाँ से कितना आएगा जाके, ये हो जाएगा जीरो से के, और यहाँ कितना है डी के, तो ये बात भी आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं किस चीज़ की, अब मैं इधर रब कर देता हूँ, ठीक है, चलिए ये हो जाता है यहाँ से रब, और अब आप रिजल्ट के बिल्कुल करीब हैं। देखिए मैंने आपको बोला था कि फाइनल अगर रिजल्ट जब आप काउंट कर रहे होंगे उस टाइम क्या आपको जरूरत पड़ेगी, सिर्फ दो एनर्जी, क्योंकि E क्या है, टोटल एनर्जी है पार्टिकल की, जिस पर आपने फोर्स लगाया, डिस्प्लेस किया, काइनेटिक एनर्जी आई, ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर रहे हो, अल्टीमेटली कर क्या रहे हैं आप दो चीज़ें फाइंड कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर रहे हैं और पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को जोड़ेंगे और आपको टोटल एनर्जी आप पार्टिकल मिल जाएगी, और वही ये रिजल्ट होगा। अभी हमको काइनेटिक एनर्जी मिली नहीं है, हमें वर्क डन मिला था, हमने वर्क डन फिर वर्क एनर्जी थ्योरम से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, तो देखिए क्या आने वाला है, यहाँ से ये हो जाएगा, देखिए डीएम का एम हो जाएगा, डीएम का एम हो जाएगा, सी स्क्वायर बाहर है, यहाँ हो जाएगा एम, और लिमिट लगा दीजिए एम नॉट से एम, और ये हो जाएगा कितना डी के हो जाएगा के, और लिमिट लगा दी कितनी जीरो से के, तो ये हो जाएगा कितना सी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा एम माइनस एम नॉट, और यहाँ हो जाएगा के माइनस जीरो, तो के इज इक्वल टू मिल गया क्या, ये हो जाएगा एम माइनस एम नॉट, और ये हो गया सी स्क्वायर। ये हो गई काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जब पार्टिकल रेस्ट पे रहेगा तब वो पोटेंशियल एनर्जी रखेगा, तो क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल ये होती है रेस्ट मास एनर्जी के इक्वल, क्या हो जाएगा इज इक्वल टू रेस्ट मास
एनर्जी, रेस्ट मास एनर्जी क्या हो जाएगी, यहाँ से रेस्ट मास एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो गई, U, तो U इक्वल टू कितना हो गया, रेस्ट मास एनर्जी होती है एम नॉट इंटू सी स्क्वायर, ये हो गया रेस्ट मास एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हो गई, अब आप टोटल एनर्जी निकालिए, टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल क्या होगी, टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल, टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल कितनी हो गई, E इज इक्वल टू के प्लस यू, तो E इज इक्वल टू कितनी आएगी, K की वैल्यू ये है m माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी है m नॉट सी स्क्वायर, जरा ओपन कर दीजिए इसको, कितना आएगा जाके, ये आ गया यहाँ से बच्चा m सी स्क्वायर माइनस m नॉट सी स्क्वायर प्लस m नॉट सी स्क्वायर, ये तो हो गया कैंसिल आउट। यहाँ से रिजल्ट क्या आया, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, दिस इज द आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन, क्या हो गया, दिस इज द आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन हो जाता है, दिस इज रिक्वायर्ड आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन, आपको इसी को एस्टेब्लिश करना था, तो आपने होपफुली इसको अच्छे से कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इस पर हम लोग न्यूमेरिकल लेते हैं, ठीक है। चलिए न्यूमेरिकल ले लिया जाए, इसको मैं रब कर देता हूं, तो आपने अच्छे से समझ लिया कि आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन कैसे आता है, उसमें सिर्फ दो चीज़ों पे ही आपको काम करना था, पहला काम क्या करना था, पहला आपको काम ये करना पड़ा कि पहले आपने क्या निकाली, पहले आपने काइनेटिक एनर्जी निकाली, फिर पोटेंशियल एनर्जी निकाली, फिर पार्टिकल की टोटल एनर्जी निकाली, और जो टोटल एनर्जी होती है वही मास और एनर्जी में रिलेशन आ जाता है। चलिए क्वेश्चन नोट करिए, इस क्वेश्चन को आपको करना है क्या, प्रूव दैट द रिलेशन है ई के इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर, क्या है एम नॉट सी स्क्वायर, ब्रैकेट लगा हुआ है और इसके अंदर है वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर वन बाई टू, लेकिन वो भी माइनस में है, माइनस वन, आपको ये रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, तो ये रिलेशन कैसे आएगा, इस चीज़ पे आपका फोकस होना चाहिए, क्योंकि कहा कुछ नहीं गया, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी चाहिए, यहाँ लिखा है ई के, तो देखिए आप क्या जानते हो, सॉल्यूशन में लिखोगे फ्रॉम द रिलेशन कौन सा, काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल होती है क्या, ई के लिख दीजिए या के लिख दीजिए, ई के लिखेंगे या के लिखेंगे, दोनों एक्सेप्टेड हैं, ठीक है, दोनों ही एक्सेप्टेड हैं, तो क्या आएगा, ई के इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा, देखिए एम माइनस एम नॉट, और यहाँ से आ जाएगा सी स्क्वायर आ गया, देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से ई के, एम की वैल्यू होती है क्या, एम की वैल्यू होती है एम नॉट अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, आपको इसकी वैल्यू पुट करनी है, कर दीजिए पुट, देखिए क्या आएगा जाके, यहाँ से m की वैल्यू पुट करेंगे, m नॉट अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस m नॉट, यहाँ सी स्क्वायर, m नॉट कॉमन कर लीजिए तो ये मिल जाएगा आपको पहले, तो m नॉट सी स्क्वायर आगे लगा लीजिए, हो गया, यहाँ कितना आया वन अपॉन वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की पावर वन बाई टू माइनस वन, इसको ऊपर कर लीजिए, एम नॉट सी स्क्वायर, ये हो जाएगा वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर माइनस वन बाई टू माइनस वन, ये आपको करना था प्रूफ, तो कुछ नहीं था, सिंपली आपने इसको कर दिया, किस तरह से किया, जब आपको पता होगा, क्या पता होगा,
कि पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। अगर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला माइंड में नहीं आ रहा है तो फिर आपको इस तरह का कोई भी रिलेशन एस्टेब्लिश करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आपका ये आर्टिकल स्ट्रांग हो जाएगा इस वीडियो के बाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।